नमस्कार। इस लेक्चर में हम लैटिन टर्म लीगल मैक्सिम की बात करेंगे और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, जिसे भी नोट्स और मटेरियल की ज़रूरत है उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले लीगल मैक्सिम है क्या? लीगल मैक्सिम ये पूरी दुनिया की कोर्ट जो अपनी प्रोसीडिंग में जो शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि लैटिन भाषा में होते हैं, उसे लीगल मैक्सिम कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम मात्र केवल 21 लीगल मैक्सिम की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरी लॉ एग्ज़ाम। सो दिस वीडियो फॉर द एंट्रेंस ऑफ UBA LLB एस्पिरेंट्स। द फर्स्ट लीगल मैक्सिम जो कि लैटिन टर्म में है, दैट इज एब इनिशियो, दैट मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग, मीन्स इफ स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। व्हाट इज द लैटिन टर्म, व्हाट इज द लीगल मैक्सिम ऑफ दैट इंग्लिश टर्म, दैट इज एब इनिशियो। एंड द सेकेंड वन इज द एक्टस रिया, फिजिकल एक्ट और गिल्टी डीड। एंड थर्ड इज मेंस रिया, मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड। कहने का मतलब ये है कि मेंस रिया क्या होता है कि कोई भी इंसान क्राइम करने जाता है तो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो फिजिकल एक्ट, जैसे किसी की हत्या करनी है तो बंदूक की ज़रूरत पड़ेगी, तो बंदूक ले जाएगा, वो उसका एक्टस रिया हुआ, और उसका क्रिमिनल माइंड है, मारने की इच्छा है, मार देता है, मेंस रिया, वो गिल्टी माइंड हो गया, वो मेंस रिया हो गया। ठीक, अब आते हैं जो चौथा है एडहॉक। तो कोई वो जो हत्यारा जो हत्या करने वाला है तो वो किसी पर्पज से उसकी हत्या करना चाहता है, किसी लालच में, तो इस पर्पज को हम लैटिन टर्म में एडहॉक से एडहॉक कह सकते हैं। एडहॉक कानूनी रूप से कोर्ट इसको यूज करती है, एडहॉक फॉर द पर्पज। और अगला मैक्सिम है डिफेक्ट, इसका मतलब ये हुआ इनफेक्ट। एंड और अगला है void, void means no legal effect, means null, जिसका कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब है जिस सब इंग्लिश में या हिंदी में कह सकते हैं जिसका कोई मतलब ना हो, बेमतलब हो, उसको हम लैटिन टर्म में क्या कहेंगे, void कहेंगे, void। और इसके बाद अगला है alibi, alibi का मतलब ये होता है कि at another place, जैसे अब कोई एक्यूज्ड है और किसी की हत्या करना चाहता है तो वो पहले तो मान लीजिए ए प्लेस पे हत्या करना चाहता है, लेकिन फिर वो उसके दिमाग में ये आया, उसका जो मेंस रिया है वो कहता है कि दूसरी प्लेस पे जाए, दूसरी प्लेस पे जाके हत्या करना चाहता है, तो ऐसा उसको एलबी यूज कर सकते हैं, एट अनदर प्लेस। द नेक्स्ट वन इज ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम, इसका मतलब ये हुआ हियर द अदर साइड। ये एक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का कि कोई भी क्राइम में एक्यूज होता है, एक हत्या करने एक एक्यूज होता है और एक एक हत्या करने वाला होता है एक और एक पीड़ित होता है, तो कोर्ट एक नेचुरल जस्टिस के वे में दोनों पार्टी को सुनने का कहने का मौका देती है, तो इसी को ऑडी अल्ट्रम पार्टम कहते हैं। फिर अगला है नेमो जुडिक्स, जुडिक्स इन क्वाजा सुआ, इसका मतलब ये हुआ नेमो जुडिक्स इन क्वाजा सुआ SUA, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस कॉज, मतलब कोई भी इंसान अपने ही कोई भी क्राइम किया है तो वो उसी केस में खुद जज नहीं बन सकता फेयरनेस के लिए, जैसे कि जो जजमेंट आए वो ट्रू हो, फेयर हो। और इसके बाद आता है कैवियट एम्पटर, इसका मतलब ये होता है लेट अ बायर बी अवेयर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी के शॉप पे जाता है कोई सामान खरीदने तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो
एक्सपायरी डेट से निकल तो नहीं गया है, तो ये जो बायर को बी अवेयर रहना पड़ेगा, इसीलिए इसको कैवेट एम्पटर यूज़ करते हैं, लेट द बायर बी अवेयर। और अगला जो इसी से रिलेटेड है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैवियट वेंडेटर। इसमें क्या है, इसमें सेलर के ऊपर लाइबिलिटी डाल दी गई है कि वो बेचने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट को देखे तभी वो बेचे। लेट द सेलर बी अवेयर, लेट द सेलर बी अवेयर, मतलब इसका मतलब तो साफ है कि सेलर जो है वो पहले से बी अवेयर रहे। अब इसका अगला है, लीगल मैगजीम है डोली इनकपेक्स। कोर्ट जो 7 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनको मानती है कि वो क्राइम नहीं कर सकते हैं, तो डोली इनकपेक्स का मतलब है इनकैपेबल ऑफ क्राइम, जो कि सेक्शन 82 में इंडियन पीनल कोड 1860 में दिया गया है कि वो क्राइम नहीं कर सकते हैं। और डोली कैपेक्स का मतलब अबव द 7 ईयर, जो कि क्राइम कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ क्राइम, डूइंग कैपेबल ऑफ क्राइम। एंड नेक्स्ट इज एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो इसका मतलब है बाय रीजन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्ट। अगला लीगल मैगजीम है ई जस डेम जेनरिस। इसका मतलब ये है ऑफ द सेम काइंड। ऑफ द सेम काइंड का कहने का मतलब ये हुआ कि कोर्ट कभी भी जो एक्सेट्रा होता है, जैसे मान लीजिए व्हीकल की बात कर रही है या वेजिटेबल की बात कर रही है, तो वो एक्सेट्रा की जगह वो ई जस डेम जेनरिस यूज कर सकती है, आप सेम काइंड। अब इसके बाद आता है एक्स ऑफिशियो। इसका मतलब वो ये होता है बिकॉज ऑफ एन ऑफिस हेल्ड। द नेक्स्ट लीगल मैगजीम इज रेस जुडिकाटा। इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट मैगजीम है, जब कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो आगे तक अगले नेक्स्ट जजमेंट में प्रिवेल करती है, इसको रेस जुडिकाटा कहते हैं। थिंग्स इसका मतलब इंग्लिश में ये हुआ कि जब क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन तो ये दिया होगा थिंग्स ऑलरेडी जज अपॉन। थिंग्स ऑलरेडी जज अपॉन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कोर्ट में कोई कोर्ट है, जजमेंट दे चुका है कोर्ट, तो वो अगर लैंडमार्क है तो उस जजमेंट को जो आगे के जो भी कोर्ट आएंगे लैंडमार्क है तो उसको फॉलो करेंगे। और इसी के अगेंस्ट एक है ऑर्बिटर डिक्टम। इसमें ये होता है, ये ओपिनियन ऑफ कोर्ट होता है, इसको कोई कोर्ट फॉलो नहीं कर सकता है। ऑर्बिटर डिक्टा मतलब कि अगर कोई जज अपनी ओपिनियन दे सकता है कि नहीं, ये अगर कोई जज ये कहे कि अपनी तरफ से राय दे कि ऐसा होना चाहिए, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत में होना चाहिए, अगर कोई जज कह दे तो ये ऑर्बिटर डिक्टा है। अब इसको कोई एक्ट लॉ तो है नहीं पूरे भारत में तो माना जाएगा, तो ये उसका अपना ओपिनियन हो गया। अब इसके बाद आता है लोकस स्टैंडाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्लेस ऑफ स्टैंडिंग। जो ऑर्बिटर डिक्टम है उसका इंग्लिश में अगर एमसीक्यू में आंसर आएगा तो ऐसे ऐसा उसका आंसर ये होगा नॉट फॉलो फर्दर इन जजमेंट। लोकस स्टैंडाई का मतलब प्लेस ऑफ स्टैंडिंग। अब इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है रिस इप्सा लोकेटर, जिसका मतलब ये है कि मैटर इट्स स्पीक इट्सेल्फ। जैसे कि अब इस पे एक एग्जांपल बहुत बेहतरीन है कि कोई हत्यारा है मौके वारदात पे, हत्या एक डेड बॉडी पड़ी है और वो बंदूक लिया है, पिस्टल लिया है और उसमें से 4 गोली निकली है और चारों गोली उसकी पिस्टल से उस जो विक्टिम है, जो डिजीज पर्सन है, उसको लगी है। अब वो वहीं मौके वारदात पे पकड़ा जाता है तो वहाँ मैटर क्या है, वो खुद अपने आप बता रही है कि हत्या इसने किया है।
तो ये रेस एप्सा लोकेटर मैटर स्पीक ऑफ इट्सेल्फ, जो जो मैटर है वो खुद को ही बता दे कि ये सिचुएशन क्या है। अब इसके बाद आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और एयू के एग्जाम में भी पूछता है मैक्सिमम टाइम। एयू के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसीलिए लोग पेपर रिपील नहीं करते हैं। मुटाटिस मुटेंडिस, इसका मतलब ये होता है कि द नेसेसरी चेंजेस हैव बिन मेड, द नेसेसरी चेंजेस हैव बिन मेड। और अगला लीगल मैगजीन है इंटर वाइबस, इसका मतलब ये है बिटवीन द लिविंग, बिटवीन द लिविंग। एंड द लास्ट लीगल मैगजीन 21 लीगल मैगजीन इज स्टेटस को, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीन है। जितने लीगल मैगजीन मैंने बताया सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तमाम लीगल मैगजीन में से मैंने बस 21 छाट के बताए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको नोट करिए, रीड करिए, इसमें से एक दो जरूर आएगा, आई एम डैम श्योर। और स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब द करेंट स्टेट ऑफ थिंग, जो स्टेट ऑफ थिंग है वो करेंट, द करेंट स्टेट ऑफ थिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।